हेलो बच्चों आज हम क्लास फोर्थ के चैप्टर नंबर फोर्थ एडेप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे इसका हमारा ये सेकंड पार्ट है चलिए तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं एरोबियल एनिमल्स द एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एरोबियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं ट्रीज़ पर रहते हैं उन्हें हम एरोल एनिमल्स कहते हैं एग्जाम्पल मंकीस स्क्वायरल्स

ओपोसम्स हैव अ वेरी लॉन्ग टेल कुछ एनिमल एरोवियल एनिमल्स जैसे कि मंकी हो गया ओपोसम्स हो गए वो उनकी कैसी होती है लॉन्ग टेल होती है दैट है्व दम टू हैंग फ्रॉम अ ट्री विल ग्लीडिंग फ्रॉम वन ट्री टू एन एनोदर जो उनकी जो लॉन्ग टेल होती है अब पूछ होती है उनकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने में उनकी सहायता करती है लास्ट हमारी फिफ्थ कैटेगरी है एरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कहाँ पर रहते हैं हवा में उड़ते हैं एरियल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गई एनिमल्स विच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन ईयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो उड़ने में कैपेबल हैं सक्षम है और कहाँ पे वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ एक्सपेंड करती हैं वायु में एयर में एक्सपेंड करती हैं उनको हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं दे हैव विंग्स टू हेल्प देम फ्लाई उनके पास क्या होती हैं विंग्स होती हैं फ्लाई करने के लिए देव बॉडीज आर लाइट उनकी जो बॉडी होती है वह बहुत हल्की होती है बिकॉज ऑफ द होलो बोन्स एंड फी फेदर्स क्योंकि उनकी जो बॉडी की जो बोन्स होती हैं हड्डियाँ होती हैं वह होलो रहती हैं खोखली रहती हैं और उनके फेदर्स भी बहुत ज़्यादा लाइट रहते हैं दे हैव अ स्टीम लाइंड बॉडी दैट कैन ईजली कट थ्रो द एयर और उनकी जो बॉडी होती है वह स्टीम लाइंड होती है जो जिससे वह एयर को आसानी से कट कर जाती है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन फॉर फूड यानी कि वह फूड में भोजन में कैसे अपनी अनुकूलता देखते हैं एनिमल्स एनिमल्स ईट प्लांट्स और एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं वह प्लांट्स भी खाते हैं अपने से छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप्स जो फूड के हिसाब से जो खाते हैं वो उसके हिसाब से जो एनिमल्स हैं उनको हमने चार तरीके से डिवाइड किया हुआ है हार्बिबोरस कार्निबोरस ओमनिबोरस और पैरासाइट्स ठीक है चलिए हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हार्बिबोरस हार्बिबोरस यानी कि होता है ऐसे ऐसे जानवर जो केवल क्या खाते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिबोरस ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं छोटे पेड़ पौधों को उन्हें हम हार्बिबोरस कहते हैं एनिमल्स कहते हैं हार्बिबोरस एनिमल्स या हार्बीबोरस कहते हैं दे हैव शार्प कटिंग टीथ फॉर बिटिंग एंड वेरी स्ट्रोंग ड्रिंडिंग टीथ फॉर प्रॉपर च्विंग ऑफ उनकी जो टीथ होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं किसी भी चीज़ को काटने के लिए प्लांट्स पार्ट और उनके स्ट्रॉन्ग ग्रिडिंग टीथ होते हैं जो उनको आराम से चबाने के लिए च्विंग यानी कि चबाने के लिए उनके लिए हेल्प करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल फॉर काउ गॉट सीप जिराफ, एक्सेट्रा आर हारवी बोरस के एग्जाम्पल हैं दे हैव लॉन्ग एंड इस्ट्रॉन्ग लेग्स टू तो ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड और इनके पास क्या होती है लॉन्ग और इस्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो उन्हें लंबा डिस्टेंस या लंबी दूरी तय करने के लिए फूड की तलाश में उनकी हेल्प करते हैं नेक्स्ट है हमारा कार्नी या फिर ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं मांस खाते हैं या फ्लैश खाते हैं तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और कार्नी वो, वोरियस एनिमल्स तो ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं या मांस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कार्निवोरस कहते हैं एग्जाम्पल लॉइन टाइगर फॉक्स एक्सेट्रा आर कार्निवोरस दे हैव वेरी शार्प टीयरिंग टीथ उनके जो टीथ होते हैं वह फाड़ने वाले होते हैं बहुत ही सार्फ होते हैं कौल कैनिन्ज उनको हम क्या बोलते हैं उनके टीथ को हम कैनन्स कहते हैं फोर टीयरिंग फ्लैश जो उनके फ्लैश को टीयर करता है या फाड़ने में उनकी हेल्प करता है कार्नीबोरस बर्ड्स लाइक ईगल कुछ बर्ड्स भी कॉनीबोरस होती हैं जैसे कि ईगल हो गया काइट्स हो गई है बीक्स उनकी जो चोंच होती है वह बहुत शार्प होती है एंड क्लोज टू कैच एनिमल्स टू टीयर डर और उनको जो टीय उनके जो फ्लैश या मांस होता है उसको फाड़ने में टीयर करने में उनकी हेल्प करती हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमनी थर्ड कैटेगरी एनिमल्स दैट ओमनी ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं प्लांट्स भी और छोटे मोटे एनिमल्स को भी ईट करते हैं या खाते हैं एनिमल्स दैट ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस और ओमनीवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उनको हम ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं क्रो हो गया बियर्स कॉकरोच ह्यूमन बींग्स आर कैटेगराइज एज ओमनीवोरस इन सबको हमने किस कैटेगरी दी में रखा है ओमनीवोरस दे आर कटिंग एज वेल एज टीयरिंग टीथ आर वेल डेवलप जो उनकी कटिंग करने की और फाड़ने की काटने और फाड़ने की जो टीथ होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा वेल well डेवलप होते हैं ठीक है विकसित होते हैं नेक्स्ट है हमारा पैरासाइट्स या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं परपोसी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं ठीक है पैरासाइड्स आर स्मॉल ऑर्गिज्म यह क्या होते हैं स्मॉल ऑर्गिज्म होते हैं देट गेट फ़ूड फ्रॉम अदर एनिमल्स अदर लिविंग ऑर्गिज्म कॉल होस्ट जो क्या करते हैं अपना फूड दूसरे एनिमल्स से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जिसको वह क्या कहते हैं होस्ट बाई लिविंग और इनसाइड देयर बॉडीज जो कहाँ पे लिप करते हैं या तो उनकी बॉडी पर या उनकी बॉडी के अंदर जस्ट एज वी यूज स्ट्रॉ टू सक कोल्ड ड्रिंक्स डीज एनिमल्स है फूड जैसे कि हम स्ट्रॉ से जो जूस रहता है या कोल्ड ड्रिंक होती है हम उसको शक करते हैं स्ट्रॉ से उसी प्रकार ये एनिमल जो पै पर, पैरासाइट्स होते हैं वह क्या करते हैं वह दूसरे ऑर्गन की बॉडी से फूड को शक करते हैं लीचीज मॉस्किटोस बक्स टैप बॉम्ब्स राउंड बॉम्ब्स हुक बॉम्ब्स आर सब एग्ज़ाम्पल ऑफ पैरासाइट ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं पैरासाइट्स के इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्के वेंजर्स दीज एनिमल्स फीड ऑन डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो स्के वेंजर्स होते हैं वह ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं डेड एनिमल्स मरे हुए जानवर या फिर पेड़ पौधे से बट सच एज द ईगल वल्चर एंड एनिमल्स सच एज हाई हाई नाव ईट फ्लैस ऑफ डेड एनिमल्स इनके कुछ एग्जांपल एग्जाम्पल कौन से हैं ईगल हो गया वल्चर हो गया एनिमल में हाई ना हो गया दे हैव शार्प टीथ इनके जो टीज होते हैं वह बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं टू टीयर द फ्लैश क्योंकि उन्हें वह फ्लैश को फाड़ने में उनकी हेल्प करते हैं टीयर मीस होता है फाड़ना दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लोज फॉर कैचिंग देयर प्रे और वह अपने भोजन को पकड़ने के लिए उनके स्ट्रॉन्ग क्लोज भी रहते हैं नेक्स्ट है हमारा एडेप्टन फॉर प्रोटेक्शन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे अपने आप को अनुकूल बनाते हैं कहीं भी रहने के लिए एनिमल्स हैव डिफरेंट एडेप्टेड फीचर दैट हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम सेल फ्रॉम देयर एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट तरीके फीचर्स होती हैं या विशेषताएँ होती हैं जो उनको सहायता करती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए उनके एनिमीस या शत्रुओं से फर्स्ट पॉइंट है इसमें सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट कुछ एनिमल जैसे कि एलिफेंट हो गया वेल हो गई हिप्पोफोटोमस हो गया आर टू वेक टू बी ईटिंग बाई अदर एनिमल्स ये बहुत अधिक बड़े होते हैं दूसरे जानवर को खाने के लिए देयर साइज स्क्रॉस अवे मोस्ट ऑफ देयर एनिमीस उनका जो साइज होता है उसको देख कर उनके जो दूसरे एनिमल जो एनिमी होते हैं उनके शत्रु होते हैं वह भाग जाते हैं या उनसे डरते हैं सम एनिमल्स लाइक फिश हाउस फ्लाई फ्रॉग डियर कैन मूव स्विम फ्लाई होप रन वेरी फास्ट टू स्केप फ्रॉम देयर एनिमीज कुछ एनिमल जैसे कि मछली हो गई हाउस फ्लाई मक्खी हो गई फ्रॉग मेढक डियर हिरन वह क्या करती हैं या तो वह जल्दी से तैर के या फ्लाई करके या फिर रन करके फास्टली अपने शत्रु से भाग सकते हैं स्केप हो सकते हैं या फिर वहाँ से जा सकते हैं थर्ड पॉइंट है सम एनीमल्स आर एवल टू चेंज देर कलर और पैटर्न ऑफ देयर स्किन एंड मर्ज विथ देयर सराउंडिंग कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं और अपनी जो बॉडी की स्किन होती है उसको सराउंडिंग के जैसा ही उसे स्किन का बना सकते हैं सच एनिमल्स कैन नॉट बी इजीली स्पॉटेड बाय देयर एनिमीज तो ऐसे एनिमल्स होते हैं बाय अपने जो एनिमीज या उनके शत्रु होते हैं उनको आसानी से दिखाई नहीं देते हैं दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैमोफ्लेगिंग इसम फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं उनके कलर चेंज करने को कैमोफ्लेगिंग कहते हैं फॉर एग्जांपल अ कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू ग्रीन तो वह क्या कहता है अपना कलर चेंज कर लेता है कलर टू ग्रीन इट हेडन इन द ट्रीज जब वह ट्रीज पे हेडन होता है एंड टू ऑरेंज ब्राउन इट इज ऑन द ग्राउंड और जब वह ग्राउंड में होता है तो वह अपने कलर को ऑरेंज ब्राउन कर लेता है नेक्स्ट है इसके बाद सम एनिमल्स लाइक जेब्रास टाइगर्स लियोपर्ड्स स्टेप्ड और स्पॉट्स ऑन देअर बॉडी विच हेल्प देम टू मर्ज और मिक्स देयर सराउंडिंग एंड सेव देम फ्रॉम देयर एनिमीज कुछ एनिमल्स जैसे कि जेबरा हो गया टाइगर हो गया लियोपर्ड इनकी जो बॉडी होती है उस पर स्टेप्स या फिर रेखाएँ खिंची हुई होती हैं स्पॉट्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं मर्ज या मिक्स होने में उनकी सराउंडिंग से और उनको उनके जो एनिमीस होती हैं उससे सेव कर लेती हैं या बचा लेती हैं नेक्स्ट ए पॉइंट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है Next, सेंस ऑर्गन ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं या ज्ञान ग्या, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं वह बहुत ही अधिक शार्प होती हैं दे कैन सी हीयर और स्मेल डेंजर इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस वह देख सकते हैं सुन सकते हैं या स्मेल सूंघ सकते हैं किसी भी डेंजर या खतरे को एक लॉन्ग डिस्टेंस पर भी उस चीज को पहले से महसूस कर सकते हैं तो हमारा जो यहाँ पे जो चैप्टर है वह फिनिश होता है थैंक यू